ठंडे मौसम में हिमाचल में हम ट्राई करेंगे हिमाचली डिश जिसका नाम है सिड्डू। दिखाता हूँ मैं आपको। भेजे हमारे वेज नूडल्स और हमने ऑर्डर किया है फ्राइड मोमोज। क्या आ गए हमारे फ्राइड मोमोज, फ्राइड वेज मोमोज। चलिए हम ट्राई करते हैं जर्मन बेकरी की चॉकलेट बॉल्स। तो मेहता जी, अगर हमारे सब्सक्राइबर आएंगे तो उनको थोड़ी सस्ती स्कूटी मिल जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जरूर। माउस पिज़्ज़ा एट द लिटिल इटली। बहुत ज़्यादा देखेंगे कसौल में, वो है जर्मन बेकरीज। तो अभी आप काउंट कीजिएगा कितनी जर्मन बेकरीज में दिखा। अमेजिंग यार, बहुत ठंड लग रही है, मज़ा आ गया यार, ये पैसे वसूल हो गए जो दिल्ली गुड़गांव की गर्मी थी ना। गुड इवनिंग गाइस, मौसम बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो गया है यहाँ पे यार, ठंडा ठंडा हो गया, ठंड हो गई है, जैकेट पहननी पड़ेगी। अभी अभी बारिश हुई थी, देखिए स्नो पीक माउंटेन है जो पूरा फॉगी फॉगी हो गया, वो अब दिख भी नहीं रहे ठीक से। तो आज कसौल में भी ऑलमोस्ट वैसा मौसम हो गया है जो कल हम ऊपर गए थे तोश विलेज के लिए, जो रास्ते में 8 किलोमीटर पहले ठंडा था। इनफैक्ट तोश तो पता नहीं कितना ही ठंडा होगा, कल हम पहुंच नहीं पाए थे। कोई बात नहीं, तोश नेक्स्ट टाइम करेंगे, हम नहीं मंजूर था भगवान को इस बार तो हम नहीं कर पाए, बट ये मौसम बहुत ऑसम है, बहुत इन्जॉय करें हम। पार्वती रिवर की आवाज़ लगातार आ रही है यहाँ पे। तो चलिए अभी थोड़ा सा इवनिंग को एंजॉय करते हैं, कसौल मार्केट में घूमते हैं और थोड़ा रिवर साइड में बैठेंगे, कुछ स्नैक्स एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ओह तो गाइज, हम अभी कसौल मार्केट में हैं मेन चौराहे पे, और हवा देखो यार बहुत चिल्ड हो गया ये। जितना दिल्ली गुड़गांव में जो मैक्सिमम सर्दी पड़ती है ना, उससे भी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। मैं जैकेट नहीं लाया अभी अपने साथ, होटल में है। ओह ऑसम व्यू यार, ये देखो बहुत ही सुंदर हो गया है कसौल का नज़ारा। और वो देखो स्नो पीक माउंटेन्स, और ये मेन चौराहा है कसौल का। ओह ऑसम यार, बहुत ही अमेजिंग यार, बहुत ठंड लग रही है, अमेजिंग गाइस, मज़ा आ गया यार, ये पैसे वसूल हो गए जो दिल्ली गुड़गांव की गर्मी थी ना, उससे बहुत बड़ी राहत मिल गई हमें, मज़ा आ गया। वाओ चिल्ड, जस्ट चिल्ड। तो चलिए हम आनंद लेते हैं, आप इस नज़ारे को टीवी पे देख के ये सोचिए कि आपको भी ठंडा ठंडा फील हो रहा है, आपको होगा, वर्चुअली आप ठंड का एहसास लीजिए। और अगर आप प्लान कर रहे हो कसौल आने का, तो एक बार बच्चों की स्कूल की छुट्टी खत्म हो जाए तब करना, बिकॉज बहुत भीड़ है यहाँ पे, बाकी मज़ा बहुत आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। कसौल के इन मनमोहक नज़ारों ने तो जैसे समा ही बना दिया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको दिखाते हैं कसौल के कुछ फेमस कैफ़ेज़। तो सबसे पहले है मून डांस कैफ़े। आप यहाँ कसौल में हो तो आप इस कैफ़े को भी ट्राई कर सकते हो। तो देखिए ये इसका पूरा एम्बियंस है एंट्री पे। दिस इज़ ऑल्सो रेस्टोरेंट एंड बार, सो दिस इज़ देयर टुडे स्पेशल। तो चलिए चेक कर लेते हैं इस कैफ़े को भी। लाइव म्यूज़िक यहाँ पे भी होता है, देखिए पूरा सेटअप है इनके, लाइव म्यूज़िक है एंड अच्छा माहौल लग रहा है यार मुझे यहाँ पे। दिस इज़ देयर बार। गुड, इफ यू आर विद फ्रेंड्स और अलोन सो यू कैन कम हियर एंड यू कैन सिट। कैफे मून डांस, हम चलते हैं अगले कैफे की ओर। कैफ़े मून डांस कसौल नेचर पार्क के ठीक सामने पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं कसौल की मेन मार्केट को एक्सप्लोर करने। सो ये है जी कसौल की मार्केट, रौनक भरी, बहुत सारी शॉपिंग आप कर सकते हो, जैसे ड्रेसेस हैं, ये आपके लिए ड्रीम चेजर्स हैं, मोमोज, सिड्डू, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे।
बहुत ज़्यादा रौनक रहती है यहाँ पे रात को, और बहुत ही अभी ठंडा हो चुका है माहौल, मतलब ठंडा है कंपेरेटिवली दिल्ली और गुड़गांव से तो बहुत ही ठंडा है। कसौल मार्केट एक बेहतरीन प्लेस है कसौल की शाम को एंजॉय करने के लिए। बहुत सारे होटल ऑप्शन आपको इस मार्केट में घूमते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे आपको दिखेंगे होम स्टेज और अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे होम स्टेज भी हैं यहाँ पर, और ये देखिए कैफे टर्कोइस। और ये देखिए कॉलेज के दोस्तों का एक ग्रुप जो कि कसौल की गलियों में ही एंजॉय कर रहा है अपनी शाम को। और ये है कैफे रुद्राक्ष। इस तरह के बहुत सारे कैफे आपको कसौल की हर गली में मिल जाएंगे। और ये है एक बहुत ही स्पेशल हमारा दोस्त, इनका नाम है ओली और ये बहुत ही फ्रेंडली डॉग हैं। तो चलिए ओली और उसके मस्ती भरे अंदाज को हम यहीं पे रोक के चलते हैं आगे, क्योंकि ओली की मस्ती तो चलती रहेगी। तो हम अब आ गए हैं कैफ़े बुद्धा की तरफ, तो चलिए देख लेते हैं कैसे है ये कैफ़े भी, और साथ में ही है कैफ़े बुद्धा का अपना होम स्टे। सो गाइस ये है बुद्धा कैफ़े, आप आराम से डिनर या लंच यहाँ पे प्लान कर सकते हो अपना। बहुत सुंदर है ये, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रिवर साइड है पूरा सिटिंग। वाओ वो देखिए पीछे रिवर, इवन यहाँ पे रिवर में जाने का रास्ता भी है। ये देखिए यहाँ से जाओ, वाओ नाइस प्लेस टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स। फिर मैंने अभी आपको दिखाया ना, इसकी दो खासियत है, एक तो आप अच्छा खाना खा सकते हो यहाँ पे रिवर साइड, और दूसरा सामने ही इनका होम स्टे भी है। देखिए बिल्कुल सामने इनका होम स्टे है, तो आप यहाँ पे होम स्टे में स्टे करो और यहाँ पे अपना लजीज खाने का आनंद लो। और अभी मेरी बात हो रही थी तो वीकेंड्स पे टैरिफ रहता है कुछ 2500 से 3000, और वीकडेज पे सीज़न तक 3500 जाता है, और अगर सीज़न नहीं है तो 2500 में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आके यार बात कर सकते हो, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है ये भी। मुझे इतने ठंडे मौसम में हिमाचल में हम ट्राई करेंगे हिमाचली डिश जिसका नाम है सिड्डू, दिखाता हूँ मैं आपको। तो जी ये है हिमाचली सिड्डू, इसके अंदर पीनट और वॉलनट उसकी फीलिंग होती है, और ये साथ में दो चटनी मिली है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको हिमाचली सिड्डू को। यार मुझे उतना पसंद नहीं आया, कुछ ज़्यादा हैपनिंग टेस्ट नहीं है जितना सुना था, बट ठीक है, जैसे खाने वाली डिश है वैसे है, जैसे मोमोज हो गए, पता नहीं मैं टेस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट ओके है, जितनी हाइप थी उतना नहीं है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फर्स्ट बाइट जब मैंने ली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मैंने दो तीन बाइट ली तो उसका टेस्ट बना, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था मैंने, थोड़ा डिफरेंट फूड है, बट फाइनली जब मैंने लिया तो मुझे टेस्ट समझ आया, और अच्छी डिश है सिड्डू, तो ट्राई करने लायक डेफिनेटली है, वन टाइम ट्राई कीजिए
हो सकता है कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगे, मुझे फर्स्ट बाइट थोड़ा सा, मुझे फर्स्ट टाइम टेस्ट था मेरे लिए, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे मैंने दूसरी तीसरी बाइट ली तो टेस्ट बन गया था और उसके बाद मुझे वो अच्छा लगा। तो मैं 10 में से बोलूँ तो 6.5 पॉइंट दूंगा सिड्डू को, इतना बैड नहीं है। हो सकता है इस कैफ़े के सिड्डू की ये बात हो सकता है कहीं का सिड्डू बहुत अच्छा हो। सो इस कैफ़े के सिड्डू को मैंने 10 में से 6.5 दिए। आगे कहीं और मिला, एक सोनम करके है शॉप जो टिबेटन एंड ये मोमोज़ वगैरह ये सब जो फूड होते हैं बहुत अच्छा सर्व करती हैं, तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा वही है, वहाँ चल के देखते हैं क्या हमें मिलता है खाने को स्पेशल। तो कसौल में आपको बहुत ही सारी जर्मन बेकरीज देखने को मिलती हैं, तो चलिए हम भी देखते हैं आखिर हम कितनी जर्मन बेकरीज ढूंढ पाते हैं और ट्राई करते हैं किसी एक जर्मन बेकरी का जायका। चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कसौल में वो है जर्मन बेकरीज। तो अभी आप काउंट कीजिएगा कितनी जर्मन बेकरीज मैं दिखाता हूँ। जर्मन बेकरी नंबर 2, जर्मन बेकरी नंबर 3 और जर्मन बेकरी, A1 जर्मन बेकरी और साथ में एक और जर्मन बेकरी, दो दो जर्मन बेकरी साथ में। तो अब वक्त है जर्मन बेकरी के जायके को चखने का, तो चलिए चलते हैं अंदर। चलिए हम ट्राई करते हैं जर्मन बेकरी की चॉकलेट बॉल्स। चॉकलेट बॉल ऑसम, अमेजिंग। हम लोग हम आ गए हैं सोनम तिब्बतन फूड पे, यहाँ के मोमोज और फ्राइड मोमोज, और यहाँ का सिड्डू भी बहुत फेमस है, बट सिड्डू तो हमने ट्राई कर लिया, अभी और कुछ ट्राई करते हैं। ये देखिए सोनम मोमो कॉर्नर। तो अगर आप यहाँ पर हो कसौल में तो आप यहाँ के मोमो ज़रूर ट्राई करना, मोमोज के लिए बहुत फेमस है। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं यहाँ के मोमोज। वेज नूडल्स और हमने ऑर्डर किया है फ्राइड मोमोज, उसको भी आने देते हैं। नूडल्स तो अच्छे हैं इनके, फ्राइड मोमोज कैसे होंगे, फ्राइड वेज मोमोज। अच्छे क्रंची हैं और फीलिंग भी अच्छी है, तो मोमोज अच्छे हैं, तो एंजॉय करते हैं इस मील को। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कसौल में कहाँ से ले सकते हैं आप स्कूटी या बाइक रेंट पर। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं जब कसौल में हूँ और कसौल के मेन जो चौराहे मैंने वहाँ पे स्टे किया, तो सबसे अच्छा जो मुझे लगा मेरे पास एक स्कूटी थी, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे फेस किया सीज़न टाइम है, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था। मणिकरण तक मैं गया, मणिकरण तक 4 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ पहुँचने के लिए लोगों को शायद 1 से 1.5 घंटा या 2 से 3 घंटे भी लगे। मैं जब तोश के लिए जा रहा था तब भी आपने देखा कितना जाम लगा हुआ था, इवन मैं तोश तो पहुँच नहीं पाया बारिश की वजह से। तो अगर आपके पास स्कूटी होती है तो आप बहुत जल्दी अपना सफ़र तय कर लेते हो। तो मेरे साथ एक शख्स हैं अविनाश मेहता हैं ये, इनसे मैंने स्कूटी ली और ये यूनियन हेड भी हैं यहाँ के। तो अगर आप इनसे स्कूटी लेते हो तो एक चीज़ में आप श्योर हो जाओगे कि कोई भी आपसे गलत प्राइस चार्ज नहीं करेगा स्कूटी के लिए। तो मैं आपको मिलवा देता हूँ मेहता जी से, इनकी बिल्कुल जो ये कसौल चौक है जो मेन चौराया है वहीं पे इनकी शॉप है, तो आप इजीली इनको स्पॉट कर सकते हो। और अभी मैं इनसे मिलवा भी देता हूँ, ये अपना नंबर भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर आप कसौल में हो तो बेस्ट प्राइस अगर स्कूटी या बाइक चाहिए तो आप इनके पास आ सकते हो। देखिए मुझे खुद जब मैंने सबसे पता किया ऑलमोस्ट 1000 का कुछ यहाँ रेट चल रहा था, बट मेहता जी ने 800 रुपये में मुझे दे दी थी सीज़न टाइम में। तो अगर आप नॉन सीज़न टाइम में आओगे तो और भी सस्ती मिल जाएगी। तो अब मैं आपको मिलवा देता हूँ मेहता जी से। तो मेहता जी अगर हमारे सब्सक्राइबर आएंगे तो उनको थोड़ी सस्ती स्कूटी मिल जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल दी जाएगी, ऐसा कोई नहीं है कि हम जरूर प्रोवाइड करेंगे, जैसा हमारे हमसे होता है, जितना हमसे होता है तो हम जितना उतना ही करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अगर किसी ने बुकिंग करनी हो पहले तो मुझे प्रिपेयर मैसेज पहले कर दे ताकि एडवांस में बुकिंग चलती है, मैं पहले एडवांस में ले लेता हूँ, फिर बाद में आपके सब्सक्राइबर आएंगे तो बोलेंगे स्कूटी अगर नहीं होगी तो मुझे इसे पहले मैसेज करना पड़ेगा, उनको पहले ही मेल करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा आपको। तो मेहता जी कैसा रहता है सीज़न में स्कूटी का कैसा रहता है और जो नॉन सीज़न होता है कैसा रहता है? सीज़न टाइम में तो देखो इतना क्राउड होता है कि यहाँ पे पूरे कसौल में आपको स्कूटी बाइक्स मिलना मुश्किल हो जाता है, और जो स्कूटी और बाइक्स के लिए यहाँ पे आता तो पिछले ही दिन या 2-3 दिन पहले ही एडवांस में बुकिंग कर लेता ताकि हमें प्रोवाइड हो सके बाइक या स्कूटी जो, क्योंकि यहाँ का जो 25 किलोमीटर टोश का रास्ता है तो वो अगर गाड़ी लेके जाओगे तो ट्रैफिक में नॉर्मली आप फंस जाओगे, और यहाँ का कंजेस्टेड रोड इतने हैं कि आपको स्कूटी बाइक बेनिफिट में रहेगी। राइट जी सर।
तो ऐसा भी होता है कि अगर भीड़ ज़्यादा है तो लोग मनमाने प्राइस ले लेते हैं लोगों से, ऐसा होता है टूरिस्ट के साथ? बिल्कुल सर, जिसको पता नहीं होता, जो अभी लिस्ट बताया गया, क्योंकि मेरे पास तो लिस्टें रखी होती सामने, क्योंकि अगर मैं गलत बोलूँगा तो बंदा पहले ही जो कस्टमर आता है वो लिस्ट दिखेगा, उसको सामने ही दिख जाएगा। अगर नहीं मैं कुछ बोलूँगा तो वो खुद ही बोलेगा सर ये आप 800 बोल रहे हो, आप 900 बोल रहे हो, ये प्राइस 800 है। तो हम मतलब हम ना उससे ज़्यादा कर सकते हैं, जो प्राइस मैंने बनाए हुए हैं ना उससे मैं कम दे सकता हूँ सीजन टाइम में, तो हम उतना ही देते हैं, मतलब जो कि मतलब कंफर्टेबल बंदा घूम सके, अपने बजट में घूम भी सके, उसके हिसाब से हम प्राइस देते हैं उसके। तो एक बार मेहता जी अपना नंबर बता दीजिए। 7018440328 और व्हाट्सएप पर मेरा यही नंबर है, आप उस पर ही मैसेज कीजिएगा अगर बुकिंग करनी हो तो। ठीक है, तो ये मेहता जी के नंबर हैं, अगर आप कसौल में हैं तो ये कसौल चौक पर ही इनकी शॉप है। आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप कसौल में हो या बाइक या स्कूटर रेंट के लिए आप देख रहे हो। टैक्सी सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते हो? बिल्कुल सर, टैक्सी यहाँ से आपको मनाली के लिए चाहिए, दिल्ली, चंडीगढ़, एनीवेज कहीं भी आपको यहाँ पे लोकल या दिल्ली के लिए कहीं भी जाना हो अदर स्टेट के लिए, तो हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग ट्रैक व्रैक पे जाते हैं उनके लिए गाइड्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? हमारा जो यहाँ पे ट्रैक है मलाना का ट्रैक है वाचिंग और खीरंगा ग्रहण, हम ये सारे ट्रैक करवाते हैं। चलिए बढ़िया जी। तो देखिए मैंने तो इनसे सिर्फ स्कूटी की सर्विसेज ली थी, बट ये बहुत सारी सर्विसेज और भी देते हैं। अगर आप डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए, अगर आप लेकिन मेहता जी को भी आप फ़ोन कर लीजिए अगर आपको लगता है कि अच्छा कुछ आपको मिल रहा है, फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, सर्विस अच्छी मिल रही है। देखिए मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, बिकॉज जब लोग 1000 दे रहे थे तब मेहता जी ने मुझे 800 रुपये की स्कूटी ऑफर करी, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के लिए भी मेहता जी को लाया जाए ताकि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मेहता जी ने अपने नंबर बता दिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप अगर कसौल आते हो तो इनको कॉल कीजिए, जैसे मेरी मदद हुई हो सकता है आप लोगों की मदद हो जाए। तो मिलते हैं आपसे आगे। अगर आप कसौल में हो और मेन चौराहे पे हो तो उसका एक फ़ायदा है, मेन चौराहे से आपको बहुत सारी बसेस मिलती हैं और टैक्सी सर्विस भी यहीं से मिलती है। तो भैया हैं क्या टैक्सी वाले, इनसे पूछ लेते हैं कहाँ कहाँ के लिए मेन जो यहाँ के डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए कितना किराया लगता है। तो जैसे मणिकरण अगर किसी को जाना है कसौल चौराहे से तो कितना पैसा लगता है? मात्र 300 रुपये मात्र। आपका नाम क्या है? बबलू। ये बबलू जी हैं, मात्र 300 रुपये मणिकरण के लिए। ओके, अगर किसी को तोश जाना है तो? तोश जाना हो तो 1300 रुपये तोश के लिए, 1300 रुपये। और ये तुलगा पुलगा और इन सब के लिए, कालगा, कालगा तो दूर, कालगा ही है, कालगा के लिए 1100, तुलगा के लिए 1200, पुलगा के लिए 1300। तो ऑलमोस्ट जो तोश है वो 1300 रुपये की रेंज पे आता है। और यहाँ से अगर किसी को मलाना गांव के लिए जाना है तो? सेम प्राइस 1300। 1300 रुपये मलाना गांव के लिए, ठीक है। तो ये मेन चौराहा है यहाँ का, राइट? तो ठीक है, देखिए मैंने आपको थैंक यू आते रहिए। हाँ हाँ ज़रूर। तो ये आप लोगों को देखिए टैक्सी का भी अंदाज़ा दे दिया, अगर आप यहाँ कसौल मेन चौराहे पे, देखिए आपको बताता हूँ ये है कसौल का मेन चौराहा। तो और यहाँ से ही आपको बसेस मिल जाएंगी ऑलमोस्ट हर जगह जाने के लिए। जी अभी हम कसौल मार्केट में हैं और अगर आपको पिज़्ज़ा खाने का मन है तो आप आ सकते हो लिटिल इटली इन। तो आज का डिनर हमारा पिज़्ज़ा, लेट्स गो। ये है लिटिल इटली इन रेस्टोरेंट बार। पिज़्ज़ाज अच्छे मिलते हैं भाई, ये इनका बार है। और यहाँ पे शायद म्यूजिक व्यूजिक भी होता है। Guys, this is our farmhouse pizza at the Little Italy. तो जी कसौल मार्केट में मिलने वाला लगभग हर तरह का फूड हमने आज एक्सप्लोर किया, टेस्ट किया और उसका जायका लिया। बहुत ही बेहतरीन जायके हैं यहाँ के। अब एक ही जायका बचा है, वो है आइसक्रीम। तो जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ठंड को आइसक्रीम काट दिया। तो अब हम अपना ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी इस बटर स्कॉच सॉफ्टी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। मिलेंगे आपसे आने वाले एपिसोड्स में, तब तक के लिए बाय बाय। दुनिया के दिलवालों को दिलवाले का सलाम, लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरव, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला कारा।